हेल्थ चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मेरे पीछे आप देखिए एक बहुत ही दिव्य वनस्पति लगी हुई है, आप इसे पहचान ही गए होंगे। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। बहुत सारे पौधे इसके यहाँ पे लगे हुए हैं, ये देखिए अभी ये अपने फुल बहार में है। देखिए इसके इसका फूल है, ये बीच में ये जो नज़र आ रहा है ये येल्लो, ऐसा लग रहा है कि कोई येल्लो ज्वाला है। उसके साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये यही फूल थोड़ा सा लाल रंग का है, ऐसा लग रहा है जैसे कि लाल ज्वाला है। यहाँ पे थोड़ी सी ऑरेंज है, तो ये विभिन्न रंग के अलग अलग फूल है इसके, और बहुत ही सुंदर फूल है। आप पहचान ही गए होंगे इसे, इंग्लिश में ग्लोरियोसा सुपर्बा कहते हैं, या फिर हिंदी में इसे लांगली कहते हैं या लांगुली कहते हैं, या फिर इसे अग्निशिखा या फिर कलिहारी के नाम से जाना जाता है। तो ये रामायण में भी इसका उल्लेख है, ये हजारों सालों से भारतवर्ष में प्रयोग किया जा रहा है। ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव वनस्पति है क्योंकि ये विषैली होती है। लोग मुझे पूछते हैं कि कलिहारी का कैसे प्रयोग किया जाए, या फिर और भी काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेटिव विषैले वनस्पतियों के बारे में लोग मुझे बहुत बार पूछते हैं, तब मैं हमेशा यही कहता हूँ कि पहले आप सौम्य वनस्पतियों का प्रयोग कीजिए, बाद में अगर इस तरह की वनस्पतियों का प्रयोग करना है तो आप एक्सटर्नली कीजिए और सेफली उसे यूज़ कीजिए। ये एक्सटर्नली भी अगर प्रयोग किया जाए तो इसके गजब के लाभ होते हैं। मैं इसके एक्सटर्नल प्रयोग कुछ आपको बताता हूँ, इंटरनल भी बताऊँगा, लेकिन एक्सटर्नली अगर हम बात करें तो आयुर्वेद में इसे कटु कषाय बताया गया है, और इसके अलावा ये तिक्त और तीक्ष्ण होता है और ये उष्ण वीर्य है। इंग्लिश में अगर बात करें तो इसका एक गुण है कि ये मसल रिलैक्सेंट है, ये उसका खास गुण है, और ये दर्द और शोथ को कम करता है। तो अगर कहीं घुटनों का दर्द है या जोड़ों में दर्द है, इसमें अगर इसका कंद, इसमें अंदर से कंद निकलता है एल शेप का, अगर नया पौधा है तो बड़ा छोटा कंद होता है इस, जिसमें एल की अगर बात करें तो एक साइड इसकी छोटी होती है, दूसरी डंडी उसकी बड़ी होती है। वाइट रंग का होता है कंद अगर नया पौधा है, और अगर ये पौधा पुराना है तो फिर ये कंद इसका बहुत बड़ा हो जाता है, एक एक फुट, एक बाय एक फुट का भी हो जाता है एल शेप का, और ये ब्राउन कंद हो जाता है अगर पौधा बड़ा है तो। इस पर मैंने पहले डिटेल में एपिसोड किया हुआ है, वो आप देखिए, उसमें मैंने जो बहुत पुराना कंद है वो भी दिखाया हुआ है। ये अति गुणकारी वनस्पति है, अति दिव्य वनस्पति है ये। तो इसका कंद निकाल करके और अगर एक्सटर्नली बाह्य रूप से इसको अगर लगाया जाए तो हर तरह का जोड़ों का दर्द, हर तरह का दर्द सूजन दूर होता है, मसल्स रिलैक्स होते हैं। ऐसे में धतूरे के पत्तों के साथ या एरन के पत्तों के साथ, या फिर हर रोग पे जो जीत दिलाने वाली वनस्पति है, मैं नाम नहीं लूँगा, सात पत्तों वाली, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, उसके पत्तों के साथ अगर दर्द पे या सूजन पे लगा दिया जाए तो हर तरह का दर्द, हर तरह का सूजन जो है इससे ये निजात दिलाती है। ये देखिए ये बहुत सारे पौधे हैं इसके, ये यहाँ पे सब जगह पे लगा हुआ है, यहाँ पे भी ये इसके काफ़ी पौधे हैं, ये यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारे, जितने जितने नज़र आ रहे हैं बहुत सारे पौधे हैं यहाँ पे। इसके अलावा बवासीर के मस्सों पे भी इसको एक्सटर्नली लगाया जाता है शीरीष के बीज के साथ, तो इससे बवासीर के जो मस्से हैं वो झड़ जाते हैं तुरंत। एलोपेशिया जिसको हो गया है, जहाँ पे सर पे बाल कुछ जगह से निकल जाते हैं, वो इन्फेक्शियस एक इन्फेक्शन के कारण होता है। एलोपेशिया जैसे बीमारी में भी ये अगर
एक्सटर्नली लगाया जाए बालों पे, जहाँ जहाँ पे बाल उड़ गए हैं वहाँ पे, तो एलोपेशिया ठीक हो जाता है। यहाँ एलोपेशिया के केस में इसे कनेर के रस के साथ वहाँ पे लगाया जाता है। और अगर सांप भी काट जाता है या बिच्छू काट जाता है तभी भी इसके कंद को लगाया जाता है एक्सटर्नली, उससे कांटे का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है और बड़ा उससे फ़ायदा होता है। और इसके अलावा अगर त्वचा में कोई चीज़ गड़ गई है इसमें भी इसका खास प्रयोग किया जाता है। थोड़ी सी जगह बना करके, थोड़ा चाकू या नीडल से, सुई से जगह बनाई जाए जहाँ पे कोई चीज़ घुस गई है अंदर, और अगर एक्सटर्नली इसका कंद लगा दिया जाए तो ये कुछ ही दिनों में उस चीज़ को त्वचा से बाहर निकाल दिए देता है। इसके लिए भी एक खास जाना जाता है। इसके अलावा अगर कोई चर्म विकार है उसमें भी अगर इसे लगाते हैं, किसी भी तरह के चर्म विकार पे, तो चर्म विकार रोग को दूर करने में भी ये बड़ा कारगर है। इसमें भी ये चमत्कारिक प्रभाव दिखाता है। इसके लिए भी ये खास जाना जाता है। तो इसके अनंत फायदे हैं। इंटरनली भी इसे यूज़ किया जाता है, लेकिन उसकी एक शोधन विधि होती है। इसे इसके कंद को एक्चुअली टुकड़े कर लिया जाता है, और टुकड़े कर कर के और इसे गौमूत्र में सुखाया जाता है। इसको रात को गौमूत्र में भिगोया जाता है, छोटे छोटे इसके टुकड़े काट करके गौमूत्र में रात को भिगाए जाते हैं, दिन में सुखाए जाते हैं। फिर से इसे रात में भिगोना है फ्रेश गौमूत्र में ये, और सुबह दिन में सुखाना है। इस तरह से 15 दिन तक ये प्रयोग करने से इसका कंद जो है उसके विषैला प्रभाव जो है वो निकल जाता है। उसके बाद इसे इंटरनली आयुर्वेद में प्रयोग किया जाता है। इसे गौमूत्र में ना सुखाए तो इसे थोड़ा सा नमक डाल करके छाछ में, और ऐसे नमकीन छाछ में भी इसे भिगोया जाता है, और इसी तरह से इसे शोधित किया जाता है। तो ये इसका इंटरनल प्रयोग के लिए शोधन इसकी विधि है। लेकिन इसका इंटरनल प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर इंटरनल प्रयोग करें तो किसी वैद्य के परामर्श से ही, इंटरनल या एक्सटर्नल कैसे भी इसका प्रयोग करें तो वैद्य के परामर्श से ही करें, ऐसे अनुभवी वैद्य के परामर्श से करें जिसने इसका प्रयोग किया है। वरना आप आयुर्वेद में 1000 जैसी वनस्पतियां हैं, 700 वनस्पतियों का तो चरक संहिता में ही उल्लेख है, उसका पहले प्रयोग कीजिए। तो भारत एक दिव्य भूमि है, देव भूमि है, उसमें मैक्सिमम वनस्पतियां मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो है वो विषैली नहीं होती है। बहुत ही कम 1-2% ही वनस्पतियां हैं जो विषैली है। सांपों में भी मेरा ऑब्जर्वेशन है कि सांप भी भारत में जो है वो मेजॉरिटी ऑफ सांप जो है वो विषैले नहीं होते हैं। भारत एक ऐसी दिव्य भूमि है जिसमें कोई भी चीज़ हो उसकी जो विषैलापन है उसका वो कम हो जाता है। तो आप पहले सौम्य वनस्पतियों को प्रायोरिटी दीजिए, और इसको अगर यूज़ करना है तो किसी अनुभवी वैद्य के देखरेख में इसे प्रयोग कीजिए। तो इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो किसी अगले एपिसोड में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अगले एपिसोड तक विशाल साखे को दीजिए इजाज़त। बाय।